स्टूडेंट्स, बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स ऑन ऑपरेशन ऑन ए सेट्स। ठीक है बेटा। बेटा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है बेटा यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस बिटवीन टू सेट, कंप्लीमेंट, ठीक है, एंड डिसजॉइंट सेट्स। सो बेटा फर्स्ट एग्जांपल, ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए सबसेट ऑफ बी, दिस एंड दिस इंप्लाइज ए बी कंप्लीमेंट सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। ओके, लेट ए सबसेट ऑफ बी टू प्रूव बी कंप्लीमेंट सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। लेट, बेटा सबसेट कैसे प्रूव करते हैं हम, ए सबसेट ऑफ बी, एक्स बिलोंग्स टू ए, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। लेट एक्स बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट। सो बेटा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इफ एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, बी कंप्लीमेंट, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। जो एलिमेंट बी में होता है बेटा, याद है, वो बी कंप्लीमेंट में नहीं होता। जो एलिमेंट बी कंप्लीमेंट में, वो बी में नहीं होता। दिस इंप्लाइज, ठीक है बेटा, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यू नो ए सबसेट ऑफ बी, जो एलिमेंट बी में नहीं है, ए उसका पार्ट है, तो एक्स ए में भी नहीं होगा। सो एक्स किस में होगा बेटा, ए कंप्लीमेंट में। सो पहले एक्स किस में था, बी कंप्लीमेंट, अब किस में आ गया, ए कंप्लीमेंट। सो बी कंप्लीमेंट सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। कन्वर्सली, अब बेटा पहले हमने ये कंसीडर करके ये प्रूव किया, क्या करना कंसीडर, लेट बी कंप्लीमेंट सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट टू प्रूव ए सबसेट ऑफ बी। Let x belongs to A, okay, then x does not belongs to A complement. If x A complement में नहीं है, so x किस में नहीं है बेटा, B complement, because B complement is a subset of A complement. जब x A complement में नहीं है, तो B complement का subset है, तो x किस में नहीं होगा, B complement में, so x किस में belong करेगा बेटा, B, so A subset of B. एग्जाम्पल सेकेंड बेटा, ए एंड बी आर टू सेट, प्रूव दैट ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव। हमें ये प्रूव करना बेटा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव। बेटा हम वेन डायग्राम के साथ भी प्रूव कर सकते हैं। देखो ए माइनस बी, यू नो ए माइनस बी कौन से होता है बेटा, ये एलिमेंट, ओके, ये कौन सा है, ए माइनस बी। नेक्स्ट आगे क्या है, बी, बी में कौन से एलिमेंट आ गए, ये वाले बेटा, ड्यू टू वेन डायग्राम। सो इनमें कॉमन है कोई, देखो ए में ये एलिमेंट है, बी में ये है, कोई कॉमन नहीं है, सो इनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, फाइव। देन सेकंड मेथड बेटा, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, this implies x belongs to a intersection b complement. बेटा मैंने प्रूव किया है उसमें रिजल्ट लास्ट वीडियो में बेटा, a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सो बेटा मैं ऐसे ही लिख सकते हैं, देखियो a माइनस बी इंटरसेक्शन बी लेफ्ट हैंड साइड, b राइट, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन b, ओके, A intersection B complement intersection B. So this this is equal to A intersection B complement intersection B by associative law बेटा। हमने prove किया था ना बेटा associative law, A intersection B intersection C, this one equal to A intersection B intersection C. Okay बेटा, B intersection B complement intersection B, you know B and B complement में कोई element common नहीं होता। So this one is a disjoint set. So this one is a empty. A intersection phi. A intersection phi phi ka hai empty set. So this one equal to phi. Yehi humne kya karna tha beta, proof. Example third beta. A union B. Prove that A union B minus B is equal to A minus B. Theek hai beta? फर्स्ट ए यूनियन बी बाय वेन डायग्राम, ए यूनियन बी ये होगी बेटा, माइनस बी ये आ गया बेटा,
माइनस बी का मीनिंग क्या है बेटा, हम इससे माइनस करेंगे, ये पार्ट निकल गया, क्या रह गया बेटा ए माइनस बी। बाय वेन डायग्राम भी आप प्रूव कर सकते हो, ए यूनियन बी ये हो गया बेटा माइनस बी, ये वाला पार्ट निकल गया, ये कौन सा बोलते हैं बेटा ए माइनस बी। सो लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी माइनस बी, सो वी राइट बेटा ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ओके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, वी राइट ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो देखो बेटा ए इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यू नो बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू फाइव, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यूनियन फाइव, यू नो ए यूनियन फाइव किसके इक्वल होएगा बेटा ए के, सो वी राइट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, सो वी राइट ए माइनस बी। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल नंबर फोर, एग्जाम्पल नंबर फोर, फर्स्ट ए यूनियन बी इक्वल टू ए, दिस एंड दिस इंप्लाइज बी सबसेट ऑफ ए, ओके हमने ये प्रूव करना बेटा, ए यूनियन बी इक्वल टू ए इफ एंड ओनली बी सबसेट ऑफ ए। देखना बेटा, लेट ए यूनियन बी इक्वल टू ए टू प्रूव, हमने क्या प्रूव करना है बेटा, बी सबसेट ऑफ ए, ओके एक्स बिलोंग्स टू बी, ओके हमने ये ले लिया बेटा एक्स किस में बिलोंग कर रहा है बी में, फर्स्ट हमने क्या प्रूव करना है एक्स किस में बिलोंग कर रहा है बेटा ए में, एक्स बिलोंग्स टू बी, देन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, बिकॉज यू नो बेटा बी ऑलवेज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, आपको मालूम बेटा ए क्या है वन टू थ्री, बी थ्री फोर फाइव, सो ए यूनियन बी क्या आ गया वन टू थ्री फोर फाइव, सो ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, यू नो ए यूनियन बी किसके इक्वल है बेटा ए के, क्लियर है बेटा, बी सबसेट किसका है, देखो बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, जो एलिमेंट बी में है वो किस में होगा बेटा ए यूनियन बी, एक्स किस में था बी में, बी इसका सबसेट है, तो एक्स किसका किस में बिलोंग करेगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी किसके इक्वल है ए, सो एक्स किस में आ गए ए, पहले एक्स किस में था बी, अब एक्स बिलोंग्स टू ए, सो बी सबसेट ऑफ ए, कन्वर्सली बी सबसेट ऑफ ए टू प्रूव ए यूनियन बी इक्वल टू ए, वी नो दैट क्लियरली ए किसका सबसेट है ए यूनियन बी, टू सेट इक्वल कब होंगे पुत, दो टू सेट इक्वल कब होंगे जब दिस सबसेट ऑफ दिस ए सबसेट ऑफ दिस, ए तो सबसेट हो गया, टू प्रूव क्या प्रूव करना है ए यूनियन बी सबसेट ऑफ ए, ओके लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ओके एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, B किसका सबसेट है A का, B सबसेट ऑफ A, देन X किस में बिलोंग करेगा बेटा A, सो X बिलोंग्स टू A यूनियन A, दिस वन इक्वल टू A, सो X बिलोंग्स टू A, पहले X किस में था A यूनियन B, किसका सबसेट हो गया A, A इसका सबसेट है A यूनियन B सबसेट ऑफ A, सो A इक्वल टू A यूनियन B, क्लियर है बेटा। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इफ
दिस एंड दिस इंप्लाइज ए सबसेट ऑफ बी। ओके बेटा, हमने ये प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, दिस एंड दिस इंप्लाइज ए सबसेट ऑफ बी। लेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, टू प्रूव ए सबसेट ऑफ बी। लेट एक्स किस में बिलोंग करेगा, ए। आप देखो बेटा ए 1 2 3, बी 3 4 5। बेटा ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया, 3। सो ये 3 ए का भी सबसेट है, ये बी का भी सबसेट है। ओके सो बेटा एक्स बिलोंग्स टू ए, क्लियर है बेटा। हमने क्या प्रूव करना है, एक्स बिलोंग्स टू बी। सो एक्स ए में है, हमने प्रूव करना है एक्स किसका सबसेट है बेटा, बी। देखो एक्स ए में है, ए किसके इक्वल है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। तो एक्स किस में होगा, ए इंटरसेक्शन बी। सो एक्स ए में भी है एंड एक्स बी में भी है। सो क्लियर है, एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है। सो ए किसका सबसेट है बेटा, बी का। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, सो एक्स बिलोंग्स टू ए, सो क्लियर है बेटा। एक्स ए किसका सबसेट है, बी, क्योंकि एक्स देखो ऐसे नहीं, 3। एक पॉइंट और नोट करना बेटा, ए इंटरसेक्शन बी हमें ए दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी ए दिया हुआ है, तो अपने क्या लिखेंगे बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू है यहां पे 4, यहां पे मैं बी में रख लिया 1 2 3। ओके सो ए इंटरसेक्शन बी 3, इसमें 4। यू सी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, 1 2 3, दिस वन इक्वल टू ए ना। सो यू नो ए सबसेट किसका है बेटा, बी का, क्योंकि एक्स की है ऑल एलिमेंट, एनी एलिमेंट जो ए में है वो बी में आ रहा है। सो ए किसका सबसेट हो गया बेटा, बी। कन्वर्सली ए सबसेट ऑफ बी, हमने क्या प्रूव करना है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। बेटा भी बताया था ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, जो कॉमन होंगे वो सबसेट होंगे बेटा, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए। हमने प्रूव करना है बोथ सेट्स आर इक्वल, सो दिस वन सबसेट ऑफ ए, हमने क्या प्रूव करना है, ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ओके, देन एक्स बी में भी होगा, बिकॉज ए किसका सबसेट है, बी, बी का। एक्स ए में भी है, एक्स बी में भी है। सो एक्स किस में बिलोंग करेगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। सो ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए, ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट बेटा एग्जांपल नंबर 6, प्रूव दैट A union B intersection A union B complement equal to A। बेटा आप वेन डायग्राम के साथ भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, A union B intersection A union B complement। देखो बेटा A union B में कौन से एलिमेंट आ गए बेटा, A set B, B set B और both। एंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, बेटा बी कंप्लीमेंट क्या होता है, बी को छोड़ के। सो ये आ गए ना बेटा, बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट बी को छोड़ के। सो मेरे पास क्या आ गया बेटा, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट ए यूनियन, ये भी आ गया क्योंकि ए भी है ना जी। उसमें कॉमन कौन सा पोर्शन आ रहा है, ए। सो हम ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, बाय वेन डायग्राम देखना बेटा, ए यूनियन बी। जब बेटा हम यूज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जो हमने पढ़ा यूनियन इंटरसेक्शन दिस वन, सो यू सी बेटा देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ओके सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था बेटा, ए यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी, वी राइट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखो बेटा ए इसमें कॉमन है ना, ए यूनियन ए यूनियन, यू सी ए यूनियन ए यूनियन, बी राइट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट कितना हुआ बेटा फाइव, ए यूनियन फाइव किससे इक्वल है बेटा। एग्जाम्पल सेवन, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी, दिस वन इक्वल टू ए। वेन डायग्राम के साथ भी हो जाएगा बेटा ऐसे ही, देखो ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, बी राइट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए माइनस बी को क्या लिखेंगे बेटा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी क्या था बेटा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, सो वी राइट ए इंटरसेक्शन देखो कॉमन है, बी कंप्लीमेंट यूनियन बी, बी कंप्लीमेंट यूनियन बी यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए। ओके एट, बेटा नेक्स्ट ए यूनियन बी ठीक है माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ओके हमने ये प्रूव करना है बेटा, देखना लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, बिकॉज ए माइनस बी को क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। बेटा डी मॉर्गन लॉ क्या था बेटा, डी मॉर्गन लॉ में हमने पढ़ा है बेटा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यूजिंग दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको आप ए कंसीडर कर लीजिए, ए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी राइट क्या लिखेंगे बेटा इसको ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ओके यूनियन अगेन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, सो वी राइट अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन, देखो बेटा अगेन ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन B intersection A complement, okay? Union A union B, A union B, intersection B, A intersection B complement, okay? Union B intersection B complement. You know A intersection A complement phi union. B intersection A complement union, बेटा A intersection B complement union B intersection B complement phi, B right B intersection A complement B minus A, क्योंकि ये तो phi है बेटा empty union A intersection B complement A minus B। बेटा आप इसको Venn diagram के साथ भी कर सकते हो, मैंने लास्ट वीडियो में बेटा वेन डायग्राम आपको बताया था ना ए यूनियन बी में, आपको बता रहा हूँ देखो ए यूनियन बी ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कैसे आएगा बता, ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया। ओके हमने बीच में क्या है माइनस, इसमें से माइनस कर देना है ये वाला पार्ट, तो हमारे पास क्या रह जाएगा बेटा देखना दिस वाला पार्ट, दिस इसको क्या बोलते हैं ए माइनस बी और इसको क्या बोलते हैं बेटा बी माइनस ए राइट हैंड साइड, सो हम वेन डायग्राम के साथ भी कर सकते हैं ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू एग्जांपल्स, सो थैंक यू वेरी मच।